Assalamualaikum and welcome back to the channel. कैसे हैं भाई आप लोग? खैरियत से? ठीक ठाक है, मजे में भाई। सफर में सिर्फ एक दिन रह गया, ठीक है। फाइनली आज जो है ना थोड़ी बहुत तैयारी रहती है तो वो हमने करनी है। बैग भी अब फाइनली निकाल लिया है, उसके अंदर भी सामान डालना स्टार्ट कर दिया है। और अब्दुल कबीर से पूछते हैं, अब्दुल कबीर की एक डिमांड आई है, बोला पापा अगर जाना है ना तो इससे पहले मेरा एक काम करा के दो। क्या काम करना है बेटा? साइकिल सही करा दो भाई। काफी टाइम से जो है ना अब्दुल कबीर की साइकिल जो है ना वो छत पे पड़ी हुई थी, और आपको पता है छत पे पड़े पड़े तो हवा शवा सब निकल जाती है। तो ये देखें टायर में जो है ना हवा भी निकल गई, ये देखें बिल्कुल जो है ना फुस हो गए टायर। और मोहम्मद अहमद ने जैसे ही साइकिल देखी ना, अभी मैं नीचे लेके आया, फौरन बैठ गया। ये देखें ये वाले टायर में भी जो है वो हवा गई है, और ये ब्रेक टूट गया। ये देखें ये ब्रेक टूट गया, ये भी सही कराते हैं। अंदर अब्दुल कबीर कोई लाइटें शाइटें हॉर्न वॉर्न लगा दें? लगा दें। चलें सही है भाई, लेके चलते हैं आज इसको फुल जो है ना रीस्टोर करते हैं आज। ये देखें इसने क्या बोला होता है, हुरेरा बोलता है, रहरा भूम भूम, मतलब मैं पीछे बैठा हूँ और साइकिल चलाओ। ये देखें हुरेरा इतनी देर से इसको ऐसे खुश कर रहा है। बनवा तू साइकिल? नहीं नहीं नहीं, ए बहुत भारी है भाई ये साइकिल, बहुत भारी साइकिल है भाई। वैसे अच्छी साइकिल जो होती है ना उसकी निशानी होती है कि वो एल्युमिनियम की बनी हुई होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो बच्चों की साइकिल आती है ना वो ज्यादातर सारी लोहे की बनी हुई होती है, चाइना की होती है सारी। हालत खराब हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और गाड़ी जो है ना अभी ऐसी उबल रही है, अल्लाह, सीट पे बैठने वाली भी सिचुएशन नहीं है। थोड़ा सा शीशे वीशे जो है ना सारे नीचे कर दें ताकि अंदर की गर्मी बाहर निकले। भाई कल तक तो मुझे ये लग रहा था कि मेरे पास इनफ दरम होंगे कि मेरा गुजारा हो जाएगा, लेकिन जब मैंने कल रात को बैठ के गिने तो मुश्किल से 100-125 निकले। तो अब जो है ना करेंसी एक्सचेंज कराने के लिए मैं आ गया हूँ, सही है ना भाई। और जिस तरह हमारी करेंसी डी वैल्यू हो रही है ना, तो हमें जो है ना बहुत महंगी पड़ती है यहाँ से करेंसी खरीदना। लिया भाई एक्सचेंज करा लिया मैंने, लेकिन एक भंड ये हो गया कि 3:50 हो रहे हैं, 4 बजे सारे एक्सचेंज यहाँ पे बंद हो जाएंगे, और जो सेकंड डेस्टिनेशन है हमारी वहां की करेंसी यहाँ पे मिल नहीं रही थी, मतलब खत्म हो गई थी। तो अब मुझे कहीं दूसरी जगह जाना है, फटाफट जाके देखते हैं अगर कहीं खुला हुआ ठीक है, वरना फंस जाऊंगा। 3:54 हो रहे हैं, 6 मिनट बाकी है, और बादराबाद चौरंगी पे 4 मिनट चौरंगी पे जो है ना एक और एक्सचेंज भी है, वहां मालूम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सेकंड डेस्टिनेशन की करेंसी भी मिल गई। अब लेके जा रहे हैं आपको एक VIP सीन की तरफ, ठीक है। मैं ये सोचा था कि यार हमारी करेंसी की भी क्या हालत हो गई, इतनी सारी करेंसी दो ना तो इतनी सी मिलती है सामने से दूसरे मुल्क की। यार अपने घर से बाहर यहीं पे बैठा मिलता है हमको। क्या बेटा घर वालों ने निकाल तो नहीं दिया? सुबह शाम इसी फुटपाथ पे पाए जाते हो, आ जाओ। यूसुफ ने अपना जो है ना मिशन बता दिया। ये देखें ये जो मार्क एक्स है ना वो सवा, ये मैं एक दिन खरीदूंगा इंशाल्लाह बेटा, तुम खरीदोगे, ठीक है। ये भाई यूसुफ ले गया साइकिल सही, क्योंकि यहाँ पे बहुत पतली पतली गलियां हैं, आगे जो है ना गाड़ी फंस जाएगी। मैंने उसको बता दिया है क्या क्या काम करवाना है, इतने में जो है ना हम आपको एक बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस करने के लिए लेके जा रहे हैं। भाई शोरूम हम लोग जो है ना पहुंच गए, ठीक है। और सीन पता है क्या है, रियान भाई ने कहा कि यार आज आपको नई गाड़ी की टेस्ट ड्राइव देते हैं, जो कि आज तक शायद हमने यहाँ पे नहीं चलाई, सही है। तो जैसे ही गाड़ी आती है हम आपको बताते हैं, बल्कि शायद थंबनेल देखे तो आप लोग पहचान ही गए होंगे। तो मर्सिडीज, और कौन सी मर्सिडीज है ये अभी मुझे नहीं पता, रियान भाई जैसे ही लेके आते हैं तो उसको हम एक्सपीरियंस करते हैं कि उसका क्या कंफर्ट लेवल है और अंदर का क्या सीन है सारा दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाईजान? खैरियत से? ठीक ठाक है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? ठीक ठाक है। कैसे हैं भाईजान? ठीक ठाक है, खैरियत से? भाईजान ये देखें ये सीन लेके आए, अब क्या है इसकी आवाज आती है, क्या है ये बताएं तो सही जरा। फुल मॉडिफाइड है ये? मॉडिफाइड है जीशान भाई? अच्छा मतलब मर्सिडीज को भी लोग करते हैं मॉडिफाई? अच्छा कन्वर्ट हुई भी है, चले जबरदस्त। जो है ना मैं आपको बाहर से ही गाड़ी दिखाता हूँ, ठीक है। ये जब सामने रोड से आई ना अभी चलते हुए, इसकी आवाज़ सुन के हम तो हिल गए, सही है। ये सीन है, पूरी कन्वर्ट शनवर्ट की भी है और बहुत ही ज़बरदस्त कंडीशन में है। ये देख क्या, इस गाड़ी को देख के जो है ना मुझे हमारे UK वाले जो भाई है ना उनकी गाड़ी याद आ, ठीक है। AMG ये है सिलसिला, और ये देख रहे हैं आप, ओए E63। अब इसकी मज़ीद डिटेल्स तो हम इनसे गाड़ी में बैठ के ही पूछते हैं कि ये कौन सी है। और ये भाई आए हाय हाय, ये गाड़ी जो है ना मैं यहाँ से नहीं चलाऊंगा, ठीक है, ये मैं लूंगा इनसे लियारी एक्सप्रेसवे पे जाके, क्योंकि जीशान भाई बता रहे हैं कि ये गाड़ी जो है ना 6200 cc है। 6200 cc को अगर मैंने शहर में एक्सीलेटर दबा दिया तो ये कहाँ जाएगी, कहाँ चली जाएगी, आप ये सोचें, ठीक है। और ये गाड़ी का कम्फर्ट तो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हम नॉटिंगहम में हमारे जो है ना भाई की गाड़ी में बैठते थे ना, बिल्कुल ऐसे ही सीन है। लेकिन अब इसका जो है ना हम शशके देखते हैं जरा, और ये भाई चलाएंगे। वालेकुम अस्सलाम। ये भाई आपका नाम? भाई यासीन नाम है। यासीन भाई चलाएंगे, और यासीन भाई मुझे लियारी एक्सप्रेस वे पे देंगे ये गाड़ी, क्योंकि शहर में मैं नहीं चलाऊंगा गाड़ी। ओए होए, आवाज सुनी आप लोगों ने, मतलब कंफर्ट तो ऐसा है जैसे मैं अपने बेड पे लेट गया। ओए होए 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 भाई, अब तो जो है ना मैं भी सीट बेल्ट लगा ही लेता हूँ। इसमें जो है ना काफी सारे यहाँ पे ऑप्शन नजर आ रहे हैं, ये जरा बताए ना यासीन भाई की क्या क्या चीजें, यार समझ नहीं आ रहा कुछ। अच्छा अभी आपने कंफर्ट मोड लगाया हुआ है, इसमें क्या होता है? कंफर्ट मोड में गाड़ी बिल्कुल स्टेबल चलती
अच्छा मतलब। और अगर आप स्पोर्ट्स प्लस में इसको ले आते हैं सही, तो इसमें थोड़ी एग्रेसिव हो जाती है, तबाही मचा देती है। और अगर आप स्पोर्ट्स प्लस में ले आते हैं इसको तो ये फुल एग्रेसिव हो जाती है, साउंड भी चेंज हो जाता है गाड़ी अच्छा। का तो मतलब हर बंदा नहीं संभाल सकता इसको। सही सही सही। तो ये आपने जो कन्वर्ट कराई है, जो भी गाड़ी को चेंज कराया, ये यहीं से कराया पाकिस्तान में कराया या पहले से करवा के मंगवाई थी? अच्छा पाकिस्तान में ही करवाया। इसके जो मोड वोड है ना, ये यहाँ पे शहर में चेक नहीं हो सकते, लियारी एक्सप्रेस में जाके ही जरा देखते हैं कि स्पोर्ट्स के मोड का क्या सीन है। इसमें जो है वो हाई ऑक्टेन डलवाते हैं। वैसे कराची के जो खड्डों में लगती होगी तो बड़ा दिल दुखता होगा, है ना? बहुत ज्यादा दुखता है, लेकिन मैं निकालता नहीं हूँ। अच्छा, ज्यादा नहीं निकालता? हाँ, ज्यादा निकालने ऐसी है भी नहीं है। पेट्रोल डलवाने के बाद अब जब ये गाड़ी स्टार्ट होगी ना, इसकी आवाज आपको बाहर से सुनाता हूँ, ठीक है? स्टार्ट होगी भाई ये गाड़ी, और इसके साउंड सुनिएगा आप। ओए होए भाई, लियारी एक्सप्रेसवे पे एक झलक दिखाई आप लोगों को। ये देखो झटका, देखा आप लोगों ने कैसा झटका लगा, जैसे एक्सेलरेट किया है हम पीछे हो गए। ये देखे, ये सीन है इसका। 120 तो वर्ली पे मसला ही नहीं है भाई। भाई इसको चलाने के लिए लियारी एक्सप्रेसवे जो है ना थोड़ा सा कम पड़ना है, समझ रहे हैं आप लोग? यही भी सीन है ना, ले लेनी चाहिए भाई। पता ही नहीं चला कब हम हसन स्क्वायर से ऊपर चढ़े लियारी एक्सप्रेसवे के, और ये देखें हाईवे पे उतर गए भाई। अब वक्त हुआ चाहता है कि आपका भाई जो है ना इसकी ड्राइविंग को एक्सपीरियंस करे और आपको बताए गए कितनी लेवल की गाड़ी है। आवाज सुन रहे हैं, ऐसे लग रहा है कोई बड़ी मशीनरी चल रही है। मैं घर से आज जब निकला ना, मुझे पता नहीं था ये सीन है, वरना मैं एटलीस्ट जूते वूते पहन के आता, मतलब मैं दो पट्टी के चप्पल पहन के निकल आया हूं। यासीन भाई बोला पहले बैठ के जो है ना इसको थोड़ा सा एक्सेलरेट करें, मैं फिर आपको इसकी आवाज जो है ना सुनाना चाह रहा हूँ। सही है, रहमान रहीम। आए हाय, ऐसा प्यार से, मतलब ये मर्सिडीज की सीट नहीं है, ये मर्सिडीज की गोद में बैठा हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है। जाना सीट का ये कंट्रोल यहाँ दिया हुआ है, थोड़ी सी सीट आगे कर लेता हूँ। सही है, अब सेट है बिल्कुल। वो कहाँ दुबई छोड़ता हो जाऊँ? छोड़ते जा, छोड़ने छोड़ते। चले भाई, ये डी पे लग गई है, ठीक है भाई, सही है, सेट है। चले, गाड़ी अब खुद आवाज निकाल ली, बोली चलो मुझे लेके चलो। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अभी तो जो है ना इसको कंफर्ट मोड पे लगाया हुआ है भाई, अगर इसको स्पोर्ट्स पे मैंने चला लिया तो भाई चलेगी भी नहीं मुझसे, क्योंकि इसके लिए अच्छी खासी प्रैक्टिस चाहिए आपको, हलवा नहीं है गाड़ी चलाना। लेकिन मजा है भाई इसका चलाने का, लेकिन बहुत हैवी सीन है, बहुत हैवी सीन है। ऐसी गाड़ियां जो है ना अक्सर एक्सेलरेट करते हैं ना तो हाथ से निकल भी जाती है। क्यों भाई, ऐसे ही है ना? ऐसे ही। यार यासीन भाई ये बताएं कि मतलब ये गाड़ी की अभी कितनी वैल्यू होगी यहाँ पे, मतलब कितनी प्राइस है इसकी? 80-85 के करीब पड़ जाती है। अच्छा, लेकिन आप रेडी गाड़ी देखने जाएं तो आपको 2-2.25 करोड़ रुपए के करीब में मिलती है। अच्छी गाड़ी, अच्छी कन्वर्ट हुई है। सही, मतलब ये जैसे कन्वर्ट हुई भी अच्छी कंडीशन में गाड़ी हुई, तकरीबन 2.25 करोड़ रुपए की। अब लगाने जा रहे हैं हम कौन सा मोड? स्पोर्ट्स प्लस। ठीक है, तबाही तैयार है आप लोग? वैसे इसको भी जो है ना मैं फुल एक्सेलरेट नहीं करूंगा, लेकिन थोड़ा सा लिमिट के अंदर। ओए ओए ओए, खतरनाक चीज ये। आपको जो है ना शायद इसके अंदर जो है ना आवाज थोड़ी बहुत आ रही होगी, बाहर जो है ना अगर कोई आवाज सुन रहा होगा ना तो बोल रहा होगा ये जहाज गुजर रहा है यहाँ से। भाई इसको वापस चेंज ही करते हैं भाई, लगा दें इसको। कंफर्ट भी कंफर्ट ही सही है, पता चला हम लोग जो है ना कहीं का कहीं निकल गए लेके। भाई अब जो है ना मैं पैदल जा रहा हूँ वहाँ पे, सही है, आगे पैदल चल के जा रहा हूँ, और यासीन भाई जो है ना तेजी से गाड़ी को जो है मेरे बराबर में से गुजारेंगे, और मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो रिकॉर्ड करके कि इसकी आवाज कैसी आ रही है, किस तरह दिखती है ये गाड़ी स्पीड में जाती है। तो गर्मी ऐसी टाइट है, अच्छा खासा चल के मैं पैदल आ गया हूँ। वो देखे, वो लोग काफी दूर है, वो देखे। भाई पैदल चल चल के पहुंच गया मैं। बैठे ने पीछे। मर्सिडीज का एक्सपीरियंस जो है ना आज का एंड हुआ, ठीक है। यासीन भाई मजा आ गया आपस की बात, माशाल्लाह गाड़ी बहुत अच्छी है। अब बैक टू रेवो, सही है, लेकिन इससे पहले गर्मी बहुत टाइट है, कुछ पीने वीने का इंतजाम जो है ना दिशान भाई ने अभी तक कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? ठीक ठाक हैं, खैरियत से? कैसे हो दोस्त, ठीक हो? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक ठाक यार, वो डन करा दें, रेवो ले लें और वो दे दें मुझे ना, पैक करा दें मर्सिडीज, डबल शॉपिंग बैग में करवा दें।
एसी में जो है ना बैठ के जैसे अंदर आए ना एसी में तो सुकून मिल गया। और यहाँ पे माशाल्लाह माशाल्लाह ये कौन सी सुकरी खजूर है, सुकरी माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो मक्का मदीना की यादें ताजा हो गई है यार, जबरदस्त। और अब रिफ्रेशमेंट का वक्त हुआ चाहता है, ये देखें भाई ये आगे पेटिस, आए हाय हाय क्या बात है भाई, पेटिस के साथ आ गया ये आइसक्रीम सोडा वाला दूध। गर्मी में ऐसी चीजें बहुत मजा करती हैं। माशाल्लाह 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 भाई, साइकिल तो बिल्कुल न्यू हो गई है। ठीक है ये चेक करें, ब्रेक भी लग गया है और मेरे को लगता है अच्छे से इसकी सफाई हो गई है, बिल्कुल टिप टॉप हो गई है, सही है। और अब लाइट जो है ना यहाँ पे अवेलेबल नहीं थी, यूसुफ लाइट दूसरी दुकान से लेनी पड़ेगी। ठीक है कितने पैसे हो गए यूसुफ इसके? 400 रुपए। बैठ के चलाओ ना इसको। वाह भाई वाह, देख रहे हैं ना आप लोग, डालो भाई अब अब्दुल कबीर हो जाएगा खुश। यूसुफ भाई दूसरी वाली दुकान पे गए जहाँ पे साइकिल की लाइट्स थी, ये कौन सी है भाई बताओ जरा? ये चार्जिंग वाली है। सही है जलाओ इसको, यूं ऑन होती है। वाओ यार चार्जिंग वाली तो सही है, लेकिन इसके अंदर एक क्वालिटी फिर भी है कि बार बार इसको चार्ज करना पड़ेगा, ज्यादा टाइम चल जाती है। हाँ ज्यादा टाइम, चलो फिर तो अच्छा। दूसरा ऑप्शन क्या है जरा बताओ? ये सेल वाली है। अच्छा नहीं यार सेल बार बार कौन डालेगा, सही है ये मेरे ख्याल से सही है। ये लगाएंगे किस तरह, ये लगवा लो हाथों हाथ ना। 400 रुपए और। अच्छा 400 रुपए, चलिए 400 रुपए वहाँ साइकिल की सर्विस के और 400 रुपए लाइट, मतलब 800 रुपए की पड़ गई। और चार्ज किससे होती है? यूएसबी से। वो यूएसबी साथ ही भी है। अच्छा ये केबल आ गई यूएसबी की, सही है। एंड्रॉइड वाली केबल से चार्ज हो जाती है, यहाँ हो जाती है ना बस। ठीक है ठीक है लगाओ जरा, कैसी लग रही है? लगा दो अभी, लगा दो हाथों हाथ ताकि अब्दुल कबीर को जो है ना हम रेडी साइकिल देंगे ना, खुश हो जाएगा बच्चा देख के इंशाल्लाह। वाओ जबरदस्त बेहतरीन बेहतरीन, चलो भाई हो गया आज के दिन के तकरीबन सारे टास्क कंप्लीट हो गए। यूसुफ का जाने का वक्त हो गया, नहीं नहीं मतलब ये फार्म हाउस जाने का वक्त हो गया यार, मतलब आप लोग कुछ और ना समझ आएगा। वैसे यूसुफ कितने तुम खुशकिस्मत हो यार, हैं अभी 3-4 दिन पहले फार्म हाउस गया था, अभी दोबारा फार्म हाउस जा रहा है और लग रहा है किसी लेवल के फार्म हाउस जा रहा है, इतना ज्यादा खुश है बेटा। ये मरिंडा सिट्रस मेरी वापस रख दो यहाँ पे, तुम्हारा हिस्सा तुम्हें कल मिल गया था। ठीक है वेरी गुड। सनसेट के बाद का टाइम है, कितना प्यारा लग रहा है ना व्यू। अरे अलीशा भी आ गई, अस्सलाम वालेकुम, साइकिल आ गई बेटा, हाथ मिला दो, मेरे हाथ में साइकिल है। अब्दुल कबीर लाइट भी लग गई है साइकिल में, हैप्पी हो गए आप? वेरी गुड। आपको बैठना है साइकिल में, ये देखिए बोल रहा है अप्पा पाई मीन साइकिल में बिठाओ। वेरी गुड माशाल्लाह, दोनों भाई साइकिल में बैठ गए हैं, लाइट भी चल रही है। इस वक्त रात के जो है ना 11:47 हो रहे हैं, मेरे साथ जो है ना एक बहुत बड़ा सीन हो गया। मैं अभी भी हम लोग जो है ना, मैं अब्दुल बासित भाई और आमिर भाई जो है ना, हम लोग कुछ अपने सफर की तैयारी कुछ बाकी थी वो करने के लिए निकले थे। ठीक है तो हम जो है ना बादराबाद पे खड़े थे, वॉक ऑन फायर खा रहे थे, काफी सारे लोग आके वैसे मिलते हैं सलाम दो करके, तो सबको मैं ये बताता था यार बस हम कल जा रहे हैं, कल रात को फ्लाइट है। जब मैं गाड़ी में आके बैठा तो आमिर ने बोला भाई तू सबको ये क्यों बोल रहा है कि कल रात को फ्लाइट है, कल रात को हमारी फ्लाइट नहीं है। अब आप इससे दिमाग का मेरा अंदाजा लगाएं, कल नहीं है फ्लाइट भाई, परसों रात को हमने जाना है। तो मैं तो पूरा माइंड बना के बैठा था और घर वाले भी इसी तैयारी के अंदर बैठे हुए कि यार मुस्तफा कल जा रहे हैं, इसका मतलब आप खुद फ्लाइट हो गए। हाँ भाई बिल्कुल, ये जो है ना मेरा दिमाग फ्लाई कर गया मुझे लग रहा है वहाँ पे, तो ये सीन था भाई। खैर एनीवेज तैयारियां चल रही हैं थोड़ी बहुत अभी भी बाकी हैं, अब कल का एक और दिन मिल जाएगा तो इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा। इसी के साथ ब्लॉग को भी एंड करते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फुल तैयारियां हैं भाई, फुल वीआईपी सेटअप की इंशाल्लाह, दुआ करें और एंजॉय करें सफर, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।